हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम मफूबर, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई? मैं इधर से बोल रहा हूँ, कच्छ से, ईसा भाई। हाँ भाई, ईसा ईसा भाई, नहीं समझ में नहीं आ रहा भाई, फिर से बोलिए। ईसा ईसा कच्छ से बोल रहा हूँ, ईसा गुजरात से। अच्छा ईसा। हाँ जी, क्या हाल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए ईसा भाई। हाँ भैया, तो एक मैं वो बात पूछने वाला था, जो हमारा एक मैं बोल रहा हूँ, हमारा भाई एक बात पूछनी थी, एक हमारा भाई न, हाँ, नेटवर्क ना आके थोड़ा मल, जोर से बोलिए। हमारा एक दोस्त है, वो देवबंदी में पढ़ा हुआ है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, तो हम एलएडी से, हमारा लड़का एक देवबंदी में पढ़ा हुआ, आलिम हो गया है। अच्छी बात है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम तो हो गया, मगर देवबंद में आलिम हुआ, वो तबलीग जमात में। अच्छा, हाँ, तो उसका ये बहुत से हमारा मसाला चल रहा है। तो कल हमारा 2-4 दिन पहले बहस हुई हमारी, उसने बोला 20 तराबी पढ़ना जरूरी। हमने बोला 20 तराबी कहाँ है, बोला सही बुखारी में। हमने बोला दिखा ना सही बुखारी में कौन सी जगह पे, बोलता नहीं हम उस सही हदीस से हमारे पास पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये मैंने बोला ये सही है या गलत है, क्या बोल रहा है ये। और रफुद्दीन बोलता नहीं, रफुद्दीन करते हो वो भी सही बुखारी में, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, हाँ जी, तो जब भी मैं, हेलो, जी जी मैं अभी तो अहमदाबाद रहा हूँ, मैं वहाँ जाके इसी नंबर से आपको कॉल करूंगा। आप थोड़ा उनको समझाना क्या बात है, कैसे, हम पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ। अच्छा, मैं नमाजी पढ़ता हूँ और पहले से अहले हदीस हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, वो आलिम हो गया मगर हमारे काम से थोड़ा अलग हो गया है। मतलब ये कहिए, आलिम तो हो गया लेकिन मतलब जो हनफियत है, हनफियत का आलिम हो गया है, बस वो हनफियत ही कुरान चाहता है हदीस का बोलता आलिम हूँ। हुआ है। और जो हाँ कह रहा बस है मेरे ये, भाई कि हम साबित करेंगे कि 20 रकात मतलब भाई तरावी है बुखारी शरीफ से, तो मेरे भाई हाँ ये तो मतलब भाई ये इतनी इतना बड़ा झूठ मतलब हो गया, इतना बड़ा मुगलता हो गया। ठीक है, बुखारी शरीफ तो क्या, ठीक है, दुनिया की मेरे भाई किसी भी किताब से, अल्लाह के हाँ नबी से ये मेरे भाई 20 रकात साबित ही नहीं कर सकते, अच्छा दुनिया सही की बात किसी भी किताब से। है। अच्छा, ठीक ये है, बोलता बुखारी में हमारे तो है कुछ ही नहीं, बुखारी में तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 रकात तरावी है, ठीक है, हाँ लेकिन ये जो हाँ इन्होंने जो मतलब कहा है, नहीं हम बुखारी से हम साबित कर देंगे 20 रकात तरावी, तो मेरे भाई सही अल हाँ बुखारी की किसी एक भी हदीस में नहीं है कि अल्लाह के नबी, ठीक है, रमजान में आपने 20 रकात मतलब भाई अपनी रात की नमाज पढ़ी, ठीक है, तरावी पढ़ी, ऐसा कुछ नहीं। तो कदा वक्त मैं वहां जाऊंगा, आपको कॉल करें। कितने बजे आप फोन उठा सकते हैं, दिन में या रात में, इतने बजे। भाई ये तो मेरा मैं नहीं बता सकता हूँ, फोन कीजिएगा, अगर उठ जाएगा तो बात कर लूंगा। अच्छा, मैंने बोला आप किसी काम में हो तो उसी टाइम में मैं आपको कॉल हाँ, ना कर इसीलिए तो मैं कह सकूंगा। रहा हूँ ना, मेरा जो टाइम है काम करने का वो सुबह 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक है। अभी बीच अच्छा में जब अच्छा खाली रहता हूँ तो मैं बात कर लेता हूँ, बिजी रहता हूँ तो भाई मैं उठाता नहीं हूँ फोन। हाँ ऐसी मैंने बोला खोटा परेशान करना, आप किसी काम में लगा पड़ा, मेरी रिंग कोई बचती रहे ऐसा दिक्कत नहीं। नहीं, परेशान कीजिए, दीन के लिए आप लोग हमें परेशान कीजिए, रात भर जगह रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको फोन करूंगा, अभी तो मैं अहमदाबाद में हूँ, थोड़ा व्यापार के लिए आया हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आगे हाँ, दुआ तक भी करना आपके भैया, कारोबार थोड़ा में। उम्मीद में आ जाए। आप देखिए, आपका जो बेटा है ना, मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत हाँ कम ही चांसेस है कि भाई वो सुधरेगा, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला हिदायत देने वाला है। क्योंकि हाँ सही बात है। हाँ हाँ, क्योंकि भाई ये जो होते हैं ना देवबंदी तबलीगी, जी, ठीक, एक बार हाँ मेरे भाई बरेलवी कोई होगा तो वो मेरे भाई हो सकता है नबी की बात मेरे भाई देख के मान जाए, हो सकता है, उसका भी आजकल मेरे भाई कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो ये अच्छा देवबंदी होते हैं, तबलीगी होते हैं, ये एकदम भाई आसिन के सांप टाइप के होते हैं ये। हाँ, ये सोचते हैं कि बस अल्लाह और अल्लाह के नबी को हमारे इमाम ने और हमारे अकाबिरों ने जैसे समझाया है वैसा हाँ समझेंगे, डायरेक्ट हमारी औकात नहीं है कि हम समझ जाएं। और हम ये कहते हैं कि हाँ भाई जैसे अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा है नबी को मानो,
वैसे हमें मानना है, बस सही बात यही है। के खिलाफ है खाली, बस और कहीं नहीं। बीच में ये इमाम साहब को इन्होंने डाल के मतलब ये दिक्कत हाँ पैदा कर दी। हाँ वो सही इमाम है, से वो दिक्कत अनिका नहीं है, जो इमाम को जबरदस्ती इन्होंने बीच में डाल के दिक्कत पैदा कर दी, उसको कहते हैं तकलीद। हाँ, जो भाई ये अंधी पैरवी होती है, तकलीद होती है, ये खत्म तो सारे फितने खत्म। जो फितने की जो जड़ है ये है भाई अंधी पैरवी तकलीद। हमारे इमाम ने ऐसा कहा, हमारे अकाबरों ने ऐसा कहा, हमारे उस्ताद ने ऐसा कहा, क्या इतने बड़े बड़े लोग क्या माजल्ला गलत थे, क्या क्या उनको नहीं आता था, क्या वो तो अल्लाह के नबी से जमाने में बहुत करीब थे, उनको नहीं पता चला क्या, तुमको कैसे पता चल गया। तो ये बड़े बड़े लोगों का हवाला देते रहते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि दीन में कोई भाई कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिसके पास सही अल्लाह बात और है, अल्लाह के नबी की बात है वो भाई सच है, और जिसके पास मेरे भाई बाप दादाओं की बात है वो झूठ है। सही बात है। इमाम अल बुखारी रहीमुल्ला, ठीक है हाँ ठीक भाई, है। हाँ इमाम अल बुखारी रहीमुल्ला वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े अहले हदीस थे, ठीक है भाई, हदीसों को जमा करने वाले थे। अब हदीसों अच्छा को जमा करने वाले ने कोई मेरे भाई एक भी हदीस नहीं लाए कि अल्लाह के नबी ने, ठीक है भाई, वो रमजान की रातों में 20 रकात तरावी पढ़ी, या कोई ऐसे हदीस भाई वो नहीं लाए कि अल्लाह के नबी ने, ठीक है, नमाज में अपने दोनों हाथों को उठाने से यानी कि रफुलदान करने से मना किया, कोई हदीस नहीं है। तो मैंने उनसे बात की, बोला आप लोग हदीस को मानते हैं, तो बोला भैंस कहाँ से हदीस में, भैंस तो लिखी हुई नहीं है, भैंस का दूध पीते हैं, ये क्या जो भैंस का दूध? ईद 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 में भैंस बनाते हैं, भैंसा बात बात भाई हम किसान समझ क्या गए, है, वो बकरा भाई है। वो तबलीगों का एक फितना है। जब वो कहते हैं अच्छा मिस्टर पहले हदीस है तो बताइए भाई कुरान हदीस में भैंस कहाँ है? हाँ बोला इसका आदेश, मैं कुरान बोला में हम आदेश भैंस बिना में और भाई किसी को नहीं कुर्बानी नहीं मानते। हाँ करना, आज के बाद आप लोग मतलब भैंस की कुर्बानी ना कीजिएगा, भैंस का गोश्त ना खाइएगा, भैंस का दूध ना पीजिएगा, तो इंशाल्लाह हाँ उससे ये आदेश कहिएगा कि देना वो है। हमसे बात करे तो हम उसको दलील देते हैं भैंस की। भैंस को अरबी में अच्छा जामुस कहते हैं ना, तो जामुस मेरे भाई किस तरीके से मेरे भाई खाना जायज है, कैसे उसका दूध हमारे लिए जायज है, हलाल है, हम इंशाल्लाह उसको दलील देंगे ना कुरान हदीस के उसूल से, वो क्यों परेशान अच्छा क्यों है? बस इसमें हम फंसा पड़ा था, हमारे पास इल्म नहीं भैया, हम बस अरे थोड़ा छोटा इल्म मोटा कुरान पढ़ा मुकल्लिद हूँ। से बात करने की, इल्म की कोई जरूरत नहीं है, मुकल्लिद से बात करने के लिए अच्छा खाली हिम्मत चाहिए। हाँ, मुकल्लिद लोग असल अच्छा में क्या करते हैं, आपको अटकाएंगे अरबी के मुगालते में, बड़ी बड़ी मतलब जो अरबी के अलकाब होते हैं, ठीक है, मखरज, तो उसमें आपको अटकाएंगे, झुलाएंगे, आप उनसे मेरे भाई कहोगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहेंगे अच्छा उर्दू में फरमाया, अरबी पढ़ो, अरबी पढ़ो, तो अरबी में आपको उलझाएंगे। और जहाँ आप कह दोगे भैया ये जो हदीस है भाई मतलब भाई ये जयीफ है, तो कहेंगे अच्छा माज अल्लाह हदीसें भी माज अल्लाह जयीफ होती हैं, तो तुम्हारे माँ बाप मतलब भाई जब वो हो जाएंगे जयीफ तो क्या माँ बाप को छोड़ दोगे? तो इस तरीके सही से ये बात आपको उलझाएंगे, मानसिक तौर पे परेशान करेंगे। तो है। जब नहीं भी हम तो ये मुकल्लिस बात से पढ़ा बात था करिएगा हम। तो मानसिक हाँ तौर से मेरे भाई परेशान ना होइएगा, ये आपको इल्म में कभी नहीं हरा सकते, सिर्फ आपको मानसिक तौर से परेशान करके आपको हो सकता है भाई कुछ वक्त के लिए आपका मुंह आपका बंद कर दे। मेरे साथ अक्सर होता है, जब देखते हैं कि अब तो हमारी पोल भैया खुलने वाली, फौरन मेरे भाई दो चीजों पे भागेंगे, एक तो अरबी अच्छा पढ़ो और दूसरा अच्छा ये हदीस सही है किसने कहा, अल्लाह ने कहा या अल्लाह के नबी ने कहा? भाई तुम जो कह रहे हो हदीस ये सही है ज़ईफ़ है मौजू है, अल्लाह ने कहा या अल्लाह के नबी ने कहा? तो फिर उनको बेचारों को बेसिक फिर हमको बताना पड़ता है कि नहीं हदीस क्या है, उसूल क्या है, अच्छा जो ये उसूल है ये कहाँ से बनाए, ये उसूल अल्लाह ने बनाए या अल्लाह के नबी ने बनाए? तो सवाल बताने पे के लिए सवाल बात। करते जाएंगे, सवाल पे सवाल करते जाएंगे। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आदमी हूँ कि मैं जितना मेरे से सवाल करोगे उसका डबल इंशाल्लाह आंसर दूंगा। करो, नहीं हमने इतनी आपकी हिम्मत बहुत इतनी बातें तरक्की। सुनी है, बहुत सुनी हमने आपकी बात, इसीलिए आपका नंबर मिल गया, मैंने बोला भैया से मैं बात कर लूँ एक बार, अच्छा, अच्छा लगता है। यूट्यूब में हम सुनते हैं आपका, बहस बहुत होता है लोगों के सामने। आप लोग भाई मेरे समझ में नहीं आता, आप लोग मेरी तारीफ करते हैं या मेरी मतलब भाई
क्या बताएं, बुराई मतलब कर रहे हैं? नहीं 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 तारीफ कर रहे हैं, बहुत आपको लोग गाली देते हैं मगर आप गाली नहीं बकते हो। बहुत बहुत लोग मेरे भाई बकता ही नहीं है, जो गाली बक देगा तो अहले हदीस होने का फायदा ही क्या। नहीं नहीं हम बहुत सुने, एक अपना लूना का हमारा दोस्त है अमीन भाई, उसने आपका नंबर दिया, किसी से ले ले। जी जी बहुत दिन के तैयार हुआ, मैं फोन करूंगा आज फिर मेरे दोस्त का फोन आया, बोला ईसा भाई ये तो बोलते भैंस का दूध हदीस में कहा ये कहा है, मैंने बोला अपना दोस्त है उससे फोन कर लूं, वो बहुत देवबंदी और तबलीगों से लड़ाई करता है, हमसे पूछ लें क्या बात है क्या नहीं। गाली वाली देखिए आदमी तब देता है ना जब इल्म खत्म हो जाता है, तब आदमी देने लगता गाली, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इल्म कभी मेरे भाई खत्म ही नहीं हुआ। भाई जिस दिन हमारा भी इल्म मेरे भाई खत्म हो जाएगा, भाई हो सकता है हम भी मेरे भाई बस जबानी करने लगे। नहीं नहीं इंशाल्लाह गाली कभी नहीं। फरमाया भाई ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है, हदीस नंबर 2459 कि जो अच्छा। गाली देता है वो होता है मुनाफिक, यानी कि धोखेबाज कपटी, उसकी अलामत होती है गाली देना। तो गाली मेरे भाई इसलिए हम नहीं देते हैं कहीं भैया मुनाफिक ना बन जाए। नहीं नहीं गाली देने में क्या होता है, गाली जो डरता है वो ही देता है, हारता है वो। भाई वो खुद ही मेरे भैया एक नंबर का मुनाफिक है। इंशाल्लाह आपसे बात की बहुत अच्छा लगा, हाँ तो खुदा हाफिज, थोड़े दिन बाद मैं जाऊँगा तो अपने घर पे, तो आपको फोन लगाओ, ठीक है ना? जी जी भाई हम इंतजार करेंगे आपके आलिमी दीन बेटे से बात करने के लिए, हमें भी जानना है बुखारी की कौन सी हदीस में भाई 20 रकअत तरावी है और कहाँ लिखा हुआ है कि नमाज में भैया रफुल दैन को ना करो, भाई फर्जी हम लोग कर रहे हैं इसका मतलब, भाई वो हमको दलील दे दे, हम इंशाल्लाह तौबा कर लेंगे। हमारा तो मनसूब मेरे भाई यही ना, कुरान हदीस हमारे सामने पेश हो जाएगा, हम इंशाल्लाह अपनी बात को तोड़ के फेंक देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, अपनी बात को मेरे भाई दीवार पे मार देंगे, कुरान हदीस पेश करो। मेरे को बोला भैया मैं हर बात साबित कर लूंगा, मैंने बोला साबित कर ले, मेरे साथ चिल्ले में चल रहा, मेरे को 4 महीने चलूंगा, चल साबित कर देना हदीस से, कोई भी तबलीग आराम से साबित कर ले, ये बात है वो बात सही है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हदीस से साबित करना, मैंने सीधा बोल दिया उनको। नहीं नहीं सही किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपना, इंशाल्लाह तो खुदा हाफिज। चलिए फिर आप भी आराम कीजिए इंशाल्लाह, हम भी जा रहे हैं दावत में थोड़ा। हाँ ठीक है, थोड़ी मतलब दावत और खा पी लें, बना लें। अच्छा बहुत पड़ी है भाई दावत के वली में, आजकल इतने आ रहे हैं कि क्या करें, अब जहाँ ना जाओ तो भैया सबका मतलब भाई अपसेट हो जाएगा मूड की आप आए नहीं। सही बात सही बात, चले जाए थोड़ा हो ले और पार्टी कर लें थोड़ा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।